हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो रॉबर्ट पैटिनसन के बैटमैन का जो यूनिवर्स है, जिसे हम बैटवर्स भी कह सकते हैं, वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बैटमैन फैंस के लिए। डीसी ने ये अनाउंस किया है कि रिडलर ईयर वन नाम से वो एक प्रीक्वल कॉमिक बुक रिलीज करने वाले हैं। ये कॉमिक बुक जो है वो द बैटमैन मूवी के कैनन है, सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, इसमें हमें कहें तो रिडलर की ओरिजिन स्टोरी को और ज़्यादा फ्लश आउट करके दिखाया जाएगा। अगर आपने रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन मूवी देखी है तो हम जानते हैं रिडलर उसमें विलन था, जो गॉथम सिटी के करप्ट ऑफिशल्स को मारता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसने खूब सारी अपनी फैन फॉलोइंग भी इकट्ठा कर ली है, बहुत से लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसका जो ओरिजिन था वो हमें ज़्यादा कंप्लीट तरीके से कहें तो फ्लश आउट करके नहीं दिखाया गया था। हमको केवल कुछ हिंट्स के थ्रू बताया गया था कि रिडलर एक ऑर्फनेज में पैदा हुआ जिसे वेन फैमिली रन करती थी, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में जाके हमको उसके चाइल्डहुड के बारे में, उसकी ओरिजिन के बारे में नहीं दिखाया गया था। लेकिन ये जो कॉमिक बुक आने वाली है रिडलर ईयर वन, जो एक प्रीक्वल होने वाली है, इसमें हमें रिडलर के ओरिजिन को कायदे से दिखाया जाएगा कि कैसे वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, कैसा उसका चाइल्डहुड रहा, और कैसे उसको पता चला कि ये जो थॉमस वेन का जो प्लान था कि गॉथम को रिन्यूअल करेंगे, उसका उसका कहें तो बिल्डअप करेंगे, और कैसे लोगों ने, जो गॉथम सिटी के ऑफिशल्स थे, उन्होंने करप्शन करके उसमें से पैसा खाया, कैसे रिडलर को ये सब जानकारी मिली। ये हमें मूवी में नहीं बताया गया कि कैसे उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन इस प्रीक्वल कॉमिक बुक में हमें ये पूरी डिटेल से दिखाया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ओरिजिन एक्सप्लेन किया जाएगा रिडलर का कायदे से। ये अक्टूबर में अवेलेबल होगी। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कॉमिक बुक के बारे में गाइस, वो ये है कि इसके जो राइटर हैं वो खुद पॉल डैनो ही हैं, जिन्होंने रिडलर का कैरेक्टर प्ले किया है। पॉल डैनो, उन्होंने इस कॉमिक बुक को लिखा भी है, रिडलर ईयर वन। अब ये अक्टूबर में अवेलेबल कर दी जाएगी डीसी फैंस के लिए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और आप एक बात गौर कर रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है रॉबर्ट पैटिनसन के बैटवर्स पे। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से पैसा कहें तो डाला जा रहा है इस फ्रेंचाइज में, और कैसे पूरे तरीके से मार्केटिंग इस मूवी की जा रही है। और आप देख भी रहे हैं कि फैंस को पसंद आई है मूवी, तो डेफिनेटली वार्नर ब्रदर्स इस फ्रेंचाइज को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं रिडलर के ईयर वन कॉमिक बुक के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।